हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ फिर से अपना एक मॉर्निंग का रूटीन, किचन का जो होता है, कैसे मैं जल्दी जल्दी सब काम को करती हूँ। तो टेरेस से, छत से लाई थी तुरई और साग वगैरह, तो वही आज बनेगा लंच में और ब्रेकफास्ट में भी। और बाबू यहाँ पे जस्ट सोकर उठा ही है ना, तो कुछ वो खाने के लिए खोजता है तो उसको मैं दे दी थी, तो वही खा रहा है। इधर मैं साग लगा दी हूँ, साग चढ़ा दी हूँ पकने के लिए, और साग में वही तेल और उसमें लहसुन मिर्च डालकर, और साग जो है लाल भाजी या हरा भाजी वो डाल देते हैं, और ऊपर से थोड़ा सा नमक डालकर इसको ढक देते हैं। और इधर मैं बना रही हूँ भुजिया बनाऊँगी। तो यहाँ पे तेल ना ख़त्म हो गया था, तो इस तरीके से हम लोग इकट्ठा 10 लीटर या 5 लीटर का क्वांटिटी में ले लेते हैं। और इधर बना लूँगी भुजिया। तो 3 कढ़ाई अभी मैं चढ़ाकर रखी हुई हूँ, और एक में तोरी का सब्जी बनाऊँगी, और इधर मैं बना रही हूँ भिंडी का भुजिया। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा। और मैं नहा ली हूँ सुबह सुबह, और इधर भिंडी का भुजिया, साग और तोरी का सब्जी सब लाई थी टेरेस गार्डन से। मैं पहले ही ना वीडियो अपलोड करी थी तो आप लोग देखे होंगे। और इधर मैं चढ़ा दी हूँ सब्जी। तो तोरी सिंपल, जैसे तेल डाले उसमें राई, जीरा और कलौंजी अगर डालना है तो डाल सकते हैं, और उसमें फिर लहसुन और प्याज को भून कर इसके बाद तोरी ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से मैं तोरी का सब्जी बनाती हूँ। और अच्छित का किसी चीज़ का छुट्टी था तो उसका स्कूल नहीं था आज, तो साग को देखिए सॉफ्ट हो जाता है, बस इसको ढककर रख देते हैं और इसको हल्का हल्का स्पैचुला से मैश करते रहना है, और बीच बीच में इसको चेक करते रहना है। तो देखिए तीनों जगह मेरा काम हो रहा है फटाफट। और मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बाबू ना ब्लॉक्स को ग्लास में ले लिया है और वो आवाज़ कर रहा था, तो मैं उसको थोड़ा शांत करवाई हूँ। तो यहाँ पे तोरी ऐड कर दी थी, प्याज वगैरह भूल गया था, तो इसके बाद इसमें नमक ऐड करके फिर बस इसको ढक देना है। और फ्रेश अपने गार्डन का है तो इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा क्वान्टिटी में आएगा नमक डालने के बाद, तो इसको बस नॉर्मली ढक देते हैं। और इधर साग देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया है, और बस इसको पानी सुखाना है और ये रेडी है। और इधर भुजिया भी डन है, तो नाश्ता में हो जाएगा दही भुजिया साग रोटी, और ये लंच में मैं तोरी का सब्जी और रोटी दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ आटा, और बीच बीच में मैं ना कैमरा की तरफ भी देख रही थी कि वो रिकॉर्ड हो रहा है ना, कभी कभी क्या होता है ना मेमोरी एनफ हो जाता है तो रुक जाता है वहीं पर, तो इसीलिए ना थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए मैं कभी कभी ना कैमरा की तरफ देख लेती हूँ। तो आटा भी लगा ली हूँ, और बर्तन तो नहाने के पहले ही सब धुल लिए थे, बस लगाई नहीं हूँ, और क्योंकि लंच बनाना था तो जल्दी जल्दी करना होता है। तो यहाँ पे हल्दी ऐड करी हूँ सब्जी में, पहले ऐड कर चुकी थी बट मुझे लग रहा था थोड़ा कम है, तो देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गया, और इसका खुशबू भी ना अलग बहुत अच्छा सा आ रहा था अपने किचन गार्डन का। और बाहर का नज़ारा कुछ ऐसा है, मॉर्निंग का टाइम है तो धूप हल्का हल्का निकल गया है, तो सब्जी बस ऑलमोस्ट होने ही वाला है, थोड़ा सा और इसका पानी जो है ड्राई होगा, और इसके बाद मैं बना लूँगी रोटी। और बाहर का व्यू भी देखने में अच्छा लग रहा है, मैं बार बार ना देख रही थी किचन में, जब थोड़ा सा कुछ चलाना नहीं होता है ना तो मैं इधर देखते रहती हूँ। और फिर अब बना लेते हैं रोटी, तो क्योंकि टाइम हो गया है अब, तो चलिए जल्दी से रोटी बना लेते हैं। और बस मैं आज आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही हूँ कि कितना जल्दी जल्दी करना होता है, सुबह 2-3 बर्नर ऑन रहता है ना तो सारा काम जल्दी जल्दी हो जाता है। और मैं तो रखती हूँ, मेरा आदत है कभी उस पर बनाना है, ऐसा नहीं है कि बस गैस पर ही बनाना है, इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, जो रियलिटी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कोई शो ऑफ नहीं है कि हाँ मैं ऑफ़ कैमरा ये कर रही हूँ, ऑन कैमरा ये जो करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो सब्जी भी देख रहे हैं बीच बीच में, इधर साग भी देख रहे हैं, और भुजिया तो हो गया है और रोटी भी बना रहे हैं, तो इस तरीके से मॉर्निंग का टाइम होता है। उधर बाबू लोग नहा रहा है, तो हस्बैंड हो गए हैं रेडी, तो उनके लिए मैं नाश्ता निकाल के रख लेती हूँ। इधर दही दे रही हूँ, भुजिया है, और साग भी अभी दे दूँगी, लंच में नहीं देती हूँ क्योंकि ना साग ठंडा होने पे अच्छा नहीं लगता है। और दही में चीनी ऐड कर दी हूँ, इधर फटाफट रोटी भी बना लेते हैं। तो फुला फुला रोटी, और मैं जाली रखना भूल गई थी, और मैं जाली पर ही सेकती हूँ। तो देखिए नाश्ता भी सुबह का रेडी हो गया है, और अभी
कुछ बर्तन गिर गया था या मैं निकाली थी ना तो वहाँ पे रख दी थी, तो साइड उसको कर दी थी क्योंकि नीचे रहने पे गंदा ही हो जाता है। तो हस्बैंड उधर बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए, इधर मैं खीरा कट कर लेती हूँ, खीरा दे दूँगी लंच में, और रोटी हो जाएगा और सब्जी हो जाएगा। तो सिंपल ही लंच बनाती हूँ और लंच भी देती हूँ, कभी कभी हो जाता है, बट मैं ज़्यादातर ना ग्रीन वेजिटेबल ही हम लोग बनाते हैं खाते हैं, और ज़्यादा स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं, और तो यही है, तो खाते हैं कभी कभी, बट ज़्यादातर मोस्टली आप लोग देखे होंगे मैं ना ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल ही यूज़ करती हूँ लंच ये सब में, और कभी कभी चना ये सब हो जाता है। तो अच्छी तभी नहा लिया है और देवांश को भी नहा दूँगी। तो यही है, मॉर्निंग का हो गया हमारा सारा काम, बस खीरा को कट करके टिफिन में डाल देते हैं और मोटे मोटे टुकड़े में ही काटते हैं, पतला काटने से ना वो पानी पानी सा हो जाता है। और नमक नहीं डालती हूँ, नमक साइड में बैग में ही रखा हुआ रहता है। तो इधर कर लेते हैं लंच पैक, और रोटी भी बन गया है, एक दो और बनाना है वो बना लूँगी, पहले लंच पैक कर लेते हैं और थोड़ा देर ना खुला छोड़ देते हैं। सब्जी ये सब डालती हूँ तो ठंडा होने पर ना पैक करने में सही होता है। तो ये हो गया, पसीने पसीने हो गए, लंच रेडी हो गया है और साग अभी दे दिए हैं, वो लंच में ना ठंडा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। साग भिंडी का भुजिया दही रोटी नाश्ता में हो गया है, और अभी यहाँ पे लंच पैक कर दी हूँ। लंच में है खीरा, तोरी की सब्जी और रोटी, सिंपल सा बस, और दही ये सब कुछ भी नहीं क्योंकि अभी गर्मी इतना है कि खट्टा हो जाएगा पैक पैक। तो बस यही था, और आगे जो भी अभी रोटी बनाना है, और हस्बैंड नाश्ता कर रहे हैं और रोटी बनाकर फिर बच्चे लोग को खाना नाश्ता देंगे, फिर मैं खुद खाऊंगी किचन को थोड़ा समेट कर। तो यही था हमारा ये ब्लॉग, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। तो चलिए आप लोगों के साथ थोड़ा दिखा देते हैं मैं किस तरीके से लंच देती हूँ। यही स्टील का ना मिल्टन का जो आता है वही रखी हुई हूँ, छोटा बड़ा साइज़ में है, बट ज़्यादातर ना ज़्यादा बोलते हैं नहीं है कि ये वो दो, वो सिंपल ही हस्बैंड खाना खाते हैं तो सिंपल ही लंच पैक भी होता है, जैसा खाते हैं उनके अकॉर्डिंग मैं करती हूँ। तो ये छोटा सा टिफ़िन है, तो दो से तीन रोटी देते हैं, ज़्यादातर दो ही रोटी वो बोलते हैं देने, और ये सब्जी हो गया और खीरा दे देते हैं, छोटा सा टिफ़िन है, दो तीन रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी होता है तो इस तरीके से दे देती हूँ। तो इसको पैक कर देते हैं कवर वाला जो बॉक्स है इसमें, और फिर दे देते हैं। एक्चुअली ये लंच अच्छित के लिए लिए थे, बट अच्छित अभी ना छोटा है, तो हस्बैंड बोलते हैं मेरे को इसी में दे दो, आराम होता है, अच्छा होता है छोटा सा। तो ये हो गया लंच, तो आप लोग देखिए आज से जो ये लंच मेरा पैक हो गया है, और दो पानी का उधर बॉटल है, और खीरा ये सब पी करी हूँ यूँ ही रखा हुआ है अभी, और हस्बैंड अभी लंचिंग कर रहे हैं, मेरा सब काम भी हो गया है, और बैग में जाकर रख देंगे या टेबल पे रख देते हैं, वो रख लेंगे, मन होता है तो बैग में भी रख देते हैं। तो यही था आज का एक छोटा सा ब्लॉग जो मैं आप लोग के साथ शेयर करी, कि से जल्दी जल्दी मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, और अच्छित को स्कूल जाना होता है तो पैसे तो मॉर्निंग में ही उठ जाती हूँ, पहले ही उठ जाती हूँ, ज़्यादा टाइम लेट नहीं उठती हूँ। तो यही है छोटा सा ब्लॉग, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारा मॉर्निंग का किचन का रूटीन। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।